हम पढ़ने वाले कुछ ऐसे meanings, जो कि आपकी को बहुत कर सकते हैं मतलब यूज करते हैं ना तो उनको लगेगा की आपकी इंग्लिश बहुत बहुत अच्छी है ये बहुत सारे इम्प्रेसिव वर्ड है तो चलो अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो के ऊपर तो हमारा जो

अब इसी का हिंदी में मतलब क्या है उसके मिलनसार व्यक्तित्व के लिए वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती है तो ये था एमिएबल अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है फैसेशियस फैसेशियस का मतलब होता है कोई बहुत फनी चीज कोई बहुत मजाक उड़ाने वाली चीज बहुत बहुत फनी सी जो काइंड ऑफ थिंग तो फेस uh, का मतलब मजाकिया हिंदी में और अगर हमें इसके साथ sentence बनाना है तो इंग्लिश में हम क्या बना सकते हैं मूड ड्यूरिंग द मीटिंग और अगर इसी को हिंदी में समझना है तो इसका क्या मतलब होगा उसकी मजाकिया टिप्पणियां मीटिंग के दौरान माहौल को हल्का कर दी थी तो मतलब कि एक बहुत सीरियस मीटिंग चल रही है उसमें कोई जोक मार दे तो उसमें क्या होगा फन आ जाएगा मीटिंग में तो वही फेसेशियस रिमार्क्स मतलब फनी जोक्स फनी रिमार्क्स ऐसी चीजें अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है एफेबल एफेबल का भी मतलब वही होता है जो एमएबल का मतलब होता है जो हमारा फर्स्ट वर्ड था क्या होता है मिलनसार बहुत हेल्पिंग बहुत आउट गोइंग बहुत फ्रेंडली ऐसे लोग हिंदी मीनिंग क्या है मिलनसार इंग्लिश सेंटेंस कैसे बना सकते हैं द न्यू नेबर वॉज एसेबल मेकिंग फ्रेंड्स इजिली विद एनी मतलब वो बहुत एसेबल थे वो सबसे बहुत ईजिली फ्रेंड्स बन जाते थे क्यों क्योंकि क्यों उनका नेचर बहुत फ्रेंडली था अब इसी का हिंदी ट्रांसलेशन नए पड़ोसी मिलनसार थे सभी के साथ आसानी से दोस्ती करते थे अब जो हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है वो है नॉन कैलेंट नॉन कैलेंट इसको नॉन चैलेंट नहीं बोलेंगे इसको नॉन कैलेंट ही बोलेंगे इसका मतलब होता है उदासीन कोई बहुत सैड चीज कुछ बुरा हो गया कुछ डिफिकल्ट है, ऐसी चीज तो अगर हमें इसके साथ इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो हम बोल सकते हैं ही रिमेंड नॉन टैलेंट इवन इन द फेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस तो इसका क्या मतलब है उसने अचानक की चुनौतियों के सामने भी उदासीन बिहेव करा फिर अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रेगेरियस ग्रेगेरियस का क्या मतलब होता है कि जो सबके साथ घुल मिल जाए मतलब जो सबसे बात कर ले बेसिकली समूह प्रिय जिसको ग्रुप्स में रहना अच्छा लगता है जिसको बहुत बड़े बड़े फ्रेंड सर्कल्स चाहिए होते हैं जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं ग्रेगेरियस हिंदी मीनिंग क्या है समूह प्रिय तो अगर हमें इसके साथ इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो हम बना सकते हैं शी इज नेचुरली ग्रेगेरियस इन जॉइंग सोशल गैदरिंग्स एंड इंटरक्शन अब इसी का हिंदी सेंटेंस क्या बन जाएगा वह स्वाभाविक रूप से समूह प्रिय है, सामाजिक सभागान और आपसी आचरण का आनंद लेती है अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है विटी विटी का क्या मतलब होता है कोई चीज जो थोड़ी फनी है बट सीरियस है ठीक है तो कि हम बोल सकते हैं कि कोई विटी है कि बहुत सैवेज टाइप है कि बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाई देता है ठीक है जिसपे किसी को हंसी भी आ जाए तो हिंदी मीनिंग हास्यप्रद अब अगर इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो कैसे बोल सकते हैं हिज विटी रिमार्क्स ऑलवेज एड ह्यूमर टू द कॉन्वर्सेशन अब इस इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा उसकी हास्यप्रद टिप्पिया हमेशा बातचीत में हास्य जोड़ती हैं अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है पंक्चुअल पंक्चुअल का क्या मतलब होता है टाइम का जो ध्यान रखता है जिसको टाइम मैनेजमेंट आता है जो हमेशा टाइम पे आता है जो लेट नहीं होना किसी को भी वेट कराना एक बहुत गलत चीज होती है तो इसलिए टाइम पर आना बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका मीनिंग क्या हुआ समय निष्ठ अब अगर हमें इसके साथ इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो हम बना सकते हैं बीइंग पंक्चुअल इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इंप्रेशन इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा समय निष्ठ रहना सकारात्मक प्रभाव बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है अब जो हमारा next word है वो है एम्पथेटिक का क्या मतलब होता है कि हम सबकी फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं हम किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते हम किसी के साथ रूड नहीं होते हम लोगों की फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो हम उसे सुहानुभूति देते हैं इसका मतलब क्या होता है एम्पथी दिखाना मतलब एम्पथेटिक होना तो हिंदी मीनिंग क्या हुआ पूर्ण जिसमें बहुत सारी ये अब अगर मेरे को इसके साथ इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या बना सकती हूँ एन एम्पथेटिक फ्रेंड इज समन हु अंडरस्टैंड एंड शेयर योर फीलिंग्स अब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा सहानुभूति पूर्ण दोस्त वह होता है जो आपकी भावनाओं को समझता है और उन्हें साझा करता है अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंक्विजिटिव इंक्विजिटिव का मतलब होता है जो बहुत क्यूरियस है जिसमें जानने की बहुत ज्यादा इच्छा है जैसे हर चीज है जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे हर चीज के लिए क्वेश्चन हर चीज ये क्यों होती है ऐसे क्यों होता है वैसे क्यों होता है बहुत ज्यादा क्यूरियस बहुत ज्यादा क्वेश्चन से भरे हुए तो हिंदी में इन्हें क्या हो गया जिज्ञासु अब अगर मेरे को इंक्विजिटिव से इंग्लिश का सेंटेंस बनाना है तो मैं कैसे बना सकती हूँ चिल्ड्रेन आर ऑफन नेचुरली इंक्विजिटिव ईगर टू एक्सप्लोर एंड लर्न अब इसका हिंदी का ट्रांसलेशन बच्चे अक्सर स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं अन्वेषण और सीखने के लिए उत्सुक होते हैं अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे डिलीजेंट डिलीजेंट का मतलब क्या होता है कोई बहुत हार्ड वर्किंग है कोई हर हर चीज टाइम पे करता है अपने सारे काम करते हैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हैं अपना काम देखते हैं अपना प्रोफेशन देखते हैं हर एक चीज का ध्यान रखता है बहुत हार्ड वर्किंग होता है उसको हम बोलते हैं डिलीजेंट इसका हिंदी मीनिंग होता है मेहनती अब अगर मेरे को इससे इंग्लिश का सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या बना सकती हूँ डिलीजेंट वर्क लीड्स टू अ सक्सेस इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल एंड हिंदी में इसकी ट्रांसलेट मेहनती काम निजी और पेशेवर प्रयासों में सफलता लेता है नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रेजिलियंट रेजिलियंट का मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंस हो जो बहुत चीजें विथस्टैंड कर सके जो बहुत चीजें बेयर कर सके इसका क्या मतलब होता है रेजिलियंट मतलब सहनशील इंग्लिश का सेंटेंस कैसे बना सकते हैं बीइंग रेजिलियंट हेल्प्स इंडिविजुअल्स बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स हिंदी ट्रांसलेशन सहनशील होना व्यक्तियों को पिछड़ने के बाद फिर से उठने में मदद करता है अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एस्ट्यूट एस्ट्यूट का मतलब होता है क्लेवर, जो बहुत चलाक हो जो बहुत चतुरो तो जो भी बहुत चलाक होते हैं जो बहुत ज्यादा सोचते हैं जो लोगों के साथ खेलते हैं वो क्या लोग होते हैं एस्ट्यूट होते हैं वो लोग तो कभी भी किसी को कॉल आउट करने से डरना नहीं है तो हमारा इससे इंग्लिश सेंटेंस क्या बन सकता है हर एस्टिट्यूट ऑब्जर्वेशन एंड क्विक डिसीजन मेकिंग सेट हर अपार्ट हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा उसकी चतुर अवलोकन और तेज निर्णय उसे अलग बनाते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है मर्थफुल मर्थफुल का मतलब कि बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट बना हुआ है सब हंस रहे हैं सब खेल रहे हैं कोई ऑकवर्डनेस नहीं है ठीक है हंसीला तो अगर मेरे को इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो मैं बोल सकती हूँ द मर्थफुल एटमोसफियर एट दार्टी लिफ्टेड एवरी वन स्पिरिट और हिंदी ट्रांसलेशन पार्टी में हंसीला माहौल की वजह से सभी के मनोबल ऊंचे हो जो हमारा नेक्स्ट है वर्ड है वो है डेफ्ट डेफ्ट का क्या मतलब होता है कुशल मतलब कि बहुत इंटेलिजेंट बहुत अच्छे से किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना हर चीज का ध्यान रखना बहुत रिस्पॉन्सिबल होना काइंड ऑफ ऑफ हर डेफ्ट हैंडलिंग द सिचुएशन प्रिवेंटेड एनी मिस हिंदी ट्रांसलेशन उसका कुशल स्थिति का संचालन किसी भी गलत फहमी को रोक सकता है अब जो हमारा आज का लास्ट वर्ड है वो है अल्ट्रुस्टिक एल्ट्रुस्टिक का क्या मतलब होता है जो बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प करते हैं जो बहुत ज्यादा लोगों के लिए काम करते हैं जैसे कि इतने सारे एन होते हैं बहुत सारे कैंप्स होते हैं जो लोगों के लिए बहुत हेल्प करते हैं जो लोगों की बहुत हेल्प करते हैं लोगों के लिए बहुत काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं एल्ट्रुस्टिक हिंदी मीनिंग परोपकारी इंग्लिश में अगर मेरे को इससे सेंटेंस बनाना है तो मैं बना सकती हूँ एल्ट्रुस्टिक एक्शन डन सेल्फलेसली contribute to the welfare of others योगदान करती है तो ये थे हमारे आज के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो बहुत ही बोलने में बहुत ज्यादा लगते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना जरूर बिल्कुल मत भूलना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप uh, ट्यून रहे मैं रोज एक वीडियो डालती हूँ एंड आई होप आपकी आज की वीडियो से कुछ अच्छा लेके जा रहे हो थैंक यू सो मच